समिति बनाई अपनी तीन समूहों को मिलाकर, जो यहीं पे सोनवर्षा गांव में 25 हेक्टेयर की एक बांध है जिसमें हमने लीज के लिए 2015 में ली, और आज मेरी दीदी लखपति के रूप में उभर रही हैं और उनके पतियों को भी एक अच्छा रोजगार मिला। तो ये दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर, क्योंकि वो मछली पालन से, नाव से अपना मछली पालन कर रहे हैं और मार के स्वयं से व्यवसाय कर रहे हैं।